नमस्कार। हेल्दी और एक्टिव लाइफ के लिए शरीर का वजन सही होना चाहिए। हम अक्सर वजन कम करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वजन कम करना या बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेहतर, स्वस्थ और संतुलित वजन बनाए रखना चाहिए। अक्सर कम वजन वाले लोग वजन बढ़ाने के लिए जंक या प्रोसेस फूड खाते हैं, लेकिन ये आदतें लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वाभाविक रूप से और सुरक्षित ढंग से वजन बढ़ाएं। यहाँ ऐसे स्पेशल सुपर फूड की हम चर्चा करेंगे जिससे स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ सकता है। पहला है केला। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो केला एक बेहतरीन विकल्प है। वह न केवल पौष्टिक है, लेकिन कार्ब और कैलोरी का भी एक बड़ा स्रोत है। आप अपने दिन की शुरुआत केले और गर्म पानी से कर सकते हैं। आप दूध के साथ भी केला ले सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 केले खाए जा सकते हैं। दूसरा, चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और इसे आसानी से हमारे भोजन में शामिल किया जा सकता है। ब्राउन राइस सामान्य चावल की तुलना में काफी बेहतर है। सफेद चावल में अधिक कैलोरीज होती है, लेकिन ब्राउन चावल की तुलना में पोषक और फाइबर्स कम होते हैं। विभिन्न प्रकार के चावल में स्टार्च की अलग अलग मात्राएं हो सकती है, जो उनकी बनावट और पाचन शक्ति को प्रभावित करती है। चावल प्रतिदिन 2 बार खाए जा सकते हैं। तीसरा, आलू। आलू स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो शरीर के फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसे आपकी पसंद के आधार पर भोजन या नाश्ते में शामिल किया जा सकता है। शकरकंद भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिससे वजन बढ़ सकता है। प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम आलू खाए जा सकते हैं। ये लगभग 1 कटोरी आलू की सब्जी के बराबर होगा। चौथा, चना। छोलों में भरपूर प्रोटीन होता है। स्वस्थ शरीर के लिए संपूर्ण विकास, मरम्मत और कामकाज के लिए प्रोटीन जरूरी है। यह मांसपेशियों में वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर को फैट गलाने में मदद मिलती है। सेम, मटर, चना या मसूर खाने से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है और वजन प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। पांचवा, पनीर और दूध। पनीर या दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में उच्च प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है, जो आपके वजन को बढ़ाने में मदद करती है। रात को सोने के पहले 1 ग्लास गर्म दूध वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा विकल्प है और ये नींद की गुणवत्ता में भी फायदा करता है। छठा, टोफू। टोफू और अन्य सोया उत्पादन प्रोटीन और घुलनशील फाइबर के अच्छे स्रोत है और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और ऐसे अन्य कई समस्याओं को सही रखने में मदद करते हैं। अगर आप वजन बढ़ाने में लगे हैं तो सोया प्रोडक्ट नाश्ते में जरूर होना चाहिए। सातवां, व्यायाम या योग। आम तौर पर ये धारणा है कि अगर वजन बढ़ाना है तो व्यायाम घटाना होगा, क्योंकि इससे कैलोरी बर्न हो जाएगी। ये एक गलत धारणा है। व्यायाम के जरिए तो आप अपना अपेक्षित वजन बनाए रखने में और मांसपेशियों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ योग आसन जिनका आपको अभ्यास करना चाहिए वे हैं सूर्य नमस्कार, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन 3, अर्धमत्स्येन्द्रासन, कोणासन 2, पर्वतासन और उत्कटासन। ये आसन शरीर की संपूर्ण कसरत में मदद करते हैं और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। रोजाना टहलने या साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां भी फायदा करती हैं। थोड़े प्राणायाम भी किए जा सकते हैं, जैसे शीतली, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2 और योगेंद्र प्राणायाम नंबर 3, ये प्राणायाम करने की सलाह दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जंक फूड या आलसू जीवन, जहाँ आप कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, ऐसे में स्वस्थ वजन कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक से भोजन करना और अच्छे व्यायाम करना, ये ही करना जरूरी है। एक बात ख्याल रखिए, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है आपको खानी चाहिए। यही चीज़ अगर कम मात्रा में खाते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए कोशिश ये रहे कि अच्छी चीज़ें खाएं, थोड़े थोड़े मात्रा में खाएं, सही वजन रखें। अगर बढ़ाना है तो ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाएं। बस इतना ही है। अपने आप को स्वस्थ रखें, स्फूर्तीला रखें,
आनंदित रखें, मन में हमेशा उत्साह बनाए रखें कुछ न कुछ काम करने के लिए। तो बस अपना ध्यान दें और सही जीवन जिएं, सही भोजन खाएं, सही एक्टिविटीज़ करें। नमस्कार।